जनाब अब्दुल मजीद साहब, जिस तरह आज आप मैसूर प्रेस क्लब में आए हुए हैं, क्या मकसद है, क्या पैगाम देना पसंद है? अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है, अब तमाम लोगों को मालूम होगा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल इस महीने में आया है, तो इस बिल एक शॉकिंग है, यानी कि जो रेगुलर जो बिल आता था वो बिल से कहीं कहीं लोगों को डबल आया है, कई लोगों को 60% 70% ज़्यादा आया है। तो इसमें दो चार दिन से आप देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर इसका इल्जाम लगा रहे हैं। तो इसमें अवाम परेशान है, अवाम की हल करने वाला कौन है? इसमें क्या हुआ, लास्ट बीजेपी का हुकूमत में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करने का जो कंपनीज जो है, ये लोग हमना एक साल को 13% नुकसान हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग जो रेट में हम लोग ले रहे हैं, इसमें 13% हम लोग को नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए 16% राइज करना, प्राइस में राइज करना बोलकर KERC का सामने इन्होंने इनका पेपर रखे, यानी इनका डिमांड रखे। तो उस टाइम में जो KERC का ऊपर जो ये जो प्रपोजल रखे, इस टाइम में बीजेपी का हुकूमत इसको चैलेंज करना था, 16% 13% क्यों लॉस हो रहा है, लॉस होने का वजह क्या है, ये हकीकत है क्या, ये जो हकीकत है, तमाम चीजें करके चैलेंज करना था। तो नुकसान जो होता है ओनली रेट से नुकसान नहीं होता है, नुकसान जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो चुराने का जो भी है, ऐसा थेफ्टिंग है, इलीगल कनेक्शंस है, ये बहुत सारे, अगर वो रोके तो प्रॉफिट में आ जाएगा। ये सब छोड़ के ये लोग क्या किया, अवाम के ऊपर डाला विदाउट एनी, ये लोग बोले 13% क्लास 16% प्रपोजल करो बोलकर, मगर बुम्बई का हुकूमत जो है विदाउट एनी डिस्कशन क्या करे, इन लोग 16% को अप्रूव दे दिए KERC का। तो ये बार क्या हुआ, पहले क्या था 50 यूनिट तक 4 रुपए 10 पैसे था, उसके बाद 50 यूनिट 5 रुपए 60 पैसे था, उसके बाद का जो है 100 का बाद 7 रुपए 15 पैसे था। भाई अब ये कैसा बोले तो डायरेक्ट 7 रुपए रेट। उसका अलावा और एक अहम चीज जो है नी, FSC चार्जेस बोलकर, फ्यूअल एडजस्टमेंट करके बोलकर, ईंधन होंदानी के बोलकर FSC चार्जेस, तुम्हें बिल में देखे तो मालूम होता है, उसमें पहले क्या था, एक यूनिट को वो 50 पर 3 पैसे था एक यूनिट को, अब 2 रुपए 40 पर 2 पैसे, यानी 5 टाइम, यानी कि अब एक तो 7 रुपए, उसके बाद एक यूनिट के ऊपर 2 रुपए 40 पर 2 पैसा, फिर टैक्सेस, ये तमाम मिला के आज तुमने एक यूनिट को 11 रुपए तक होता है। ये जो है बहुत बड़ा एक नुकसान है। और दूसरा है क्या है, अभी मालूम होता है तुमना, एक किसी को 180 190 170 ऐसा जो बिल आता था, ये बार का 200 क्रॉस हुआ। आपने आपके फेसबुक में आपके घर डाला था, मेरा घर का डाला था, अब तक हमना 190 से कभी भी ज्यादा नहीं आया, यूनिट नहीं आया। तो उसमें अभी ये बार क्या हुआ, 202 202, वो मैं जब फेसबुक में डाला, कांग्रेस वाले बोले आप AC डाले होंगे बोलकर, मेरा घर में AC नहीं है, समझ में आ रहा, हाँ हमारे घर में AC भी नहीं है। देखो एक गवर्नमेंट जो फेल्यूर होता है उसको पूछना पॉलिटिकल पार्टी का हमारा जिम्मेदारी है, करेक्शन करना है एज अपोजिशन। एक मिनट है, मैं बोलता हूँ, इसको खत्म करता हूँ। तो इसमें हमारा क्या है, एक कांग्रेस बीजेपी को बोलना, बीजेपी कांग्रेस को बोलना, बीजेपी वॉच करती है 60 साल से कांग्रेस गलत किया बोलकर, ये भी इसको सही तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन होना, आपको नुकसान कितना, आप बोल रहे हैं 13%, अप्रूव कितना मिला 16%, यानी कि 16% मींस 1000 रुपए बिल आके रहा तो तुम्हें राइज कितना करना, 160 रुपए, 2000 बिल आता बोलो तो 320 रुपए है ना, मगर यहां क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 60% 70% जा रहा,
ये हमें पूछना चाह रहे हैं। सो इसको बेहतर तरीके से एक इंक्वायरी यानी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन होकर वो हमको एक फायदा पहुंचने वाला है, एक डिसीजन पे आप आना है। आप बीजेपी को बोलना, बीजेपी आपको बोलना है, सब छोड़ के अवाम को क्या, अवाम को क्या बोलना चाहते हैं, अवाम को इस तकलीफ से बाहर कैसा है। तो इन्होंने क्या अभी जो गारंटी जो स्कीम जो बोले 200 यूनिट का, 200 यूनिट का आपको 200 यूनिट का ऊपर वाले को नहीं है। एक तो 200 यूनिट का ऊपर जाने वाले का क्या क्या नुकसान किया है, नुकसान है ना उनको, जो भी कंजम्पशन करते हैं उनको, उनको जो नुकसान है उनको क्या फायदा है, इसमें बहुत बड़ा लॉस है। यानी कि ये तमाम चीजें, इसका वजह क्या है, ये एक साजिश क्या है बोले तो, जो कंपनीज है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनीज, कोल कंपनीज जो भी है, सप्लाई कंपनीज जो भी है, ये सब प्राइवेटाइजेशन में है। ये प्राइवेट कंपनी को, अदानी ग्रुप को प्रॉफिट करने के वास्ते तमाम चीजें कर ले कर रहे। हमें गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइवेटाइजेशन है इसको नेशनलाइजेशन करना, एक अहम चीज है इलेक्ट्रिसिटी, नेशनलाइजेशन करना, और जो भी नुकसान हो लेकर है, तफ्त हो लेकर है, ये तमाम चीजें रोकना, ये तमाम चीजें करना। तो आज हम एसटीपी की जानिब से हुकूमत कर्नाटक को ये मांग करते हैं, तो ये जो किए हैं ये अनसाइंटिफिक है, इसमें गलत है, इसमें साजिश है, ये तमाम चीजें का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अवाम को राहत पहुंचाने का एक स्ट्रिक्ट एक डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का लेना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि रियासत कर्नाटक में जो नई हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत आई है, अभी सिर्फ एक महीने का अर्सा ये हुआ है, वक्त हुआ है, उसके बाद आगे जाकर जो है इन्होंने इसमें तब्दीली लाए? नहीं, हम देखो, हम देखे आपको वोट दा के यानी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को हुकूमत क्यों लाए, बीजेपी लोग, बीजेपी का लोग, बीजेपी का हुकूमत ये तमाम चीजें गलत करते थे, कोविड का टाइम में जो परेशानी हुआ, ये जो रेट राइजिंग का हुआ, प्राइस हाइक हुआ, ये तमाम देख के आपको बेहतर तरीके से 135 सीट फुल मेजोरिटी देके वोट किया। तो आप अवाम का ये जो स्पिरिट है ना, अवाम क्यों वोट डाले, तो ये समझ कर अवाम को राहत पहुंचाने का काम करना है। एक ही महीने में ऐसा हर चीज हल नहीं होता, हम लोग को भी मालूम है, मगर आप क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, वो बीजेपी वाले करे बोलकर ये बोलना, बीजेपी कांग्रेस वाले को बोलना, ये नहीं चाहिए अवाम को क्या। सर, बीजेपी हुकूमत रहने के वक्त जो इम्प्लीमेंट ये हुआ, तो ये जो है उसको वेरीफाई करके फिर सही करके इम्प्लीमेंट कर सकते थे ना, 100% कर सकते थे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, देखिए जो उन लोग करने दो, आया अभी अभी तुम जितने भी बीजेपी का हुकूमत जो भी किया है स्टॉप करके रखे हैं, जो भी डेवलपमेंट वर्क स्टॉप किए हैं, और पीएसए जो स्कैम हुआ उसका इंक्वायरी करेंगे, चामराजनगर का ऑक्सीजन का इंक्वायरी करेंगे, जितने भी जो है आप लोग क्या बताए हैं, लास्ट हुकूमत का पूरा हम लोग इंक्वायरी करेंगे, ये भी इंक्वायरी करो, ये भी आप लोग इसका डीप जाओ, ये क्या हुआ है बोलकर, उसके बाद आवाम को बोलो। तो ये इंप्लीमेंट करने की वजह ये लग रही है कि कहीं ना कहीं सरकार को इससे फायदा हो रहा है। 100% ये लोग क्या है, ये लोग इसको लोकसभा इलेक्शन तक बीजेपी का ऊपर डालते जाएंगे, बीजेपी किया, बीजेपी किया, बीजेपी किया, बीजेपी किया बोलकर आपको लाए ना, आप क्या करें वो बोलो। तो मैं इसके बारे में देखो, सिटिंग उनका कांग्रेस का ही एमएलए जनाब तनवीर सेठ साहब भी लेटर लिखकर है, मैं स्वागत करता हूँ तनवीर सेठ साहब का, ये जो जो असम यानी कि एक इसका ये कंसर्न लेते हुए एक लेटर तनवीर सेठ साहब ने गवर्नमेंट को लिखा है, मैं इसको स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, जो कि उनका ही गवर्नमेंट का एमएलए इसको अगर पूछते हैं बोलो तो गलत हुआ है, तो ये गलत को सही कर, जो भी 200 यूनिट का जो चल रहा है मसला उसको स्टॉप करना चाहिए या सही करना चाहिए? देखिए वो जो गवर्नमेंट के स्कीम दिया है वो सही है और आवाम को बहुत फायदा है, गरीब आवाम को बहुत फायदा है, उसको हम लोग ऑलरेडी स्वागत किए, स्वागत करते हैं, मगर ये जो है 200 का ज्यादा जो लोग आते थे उसको डबल जो आ लेकर है, ये तमाम चीजें रोक सही करना चाहिए ना। अब ये क्या बोलेंगे आप, अभी ये एक तो 200 यूनिट का अबव खर्चा करने वाले को नहीं है, एक बड़ा फैमिली है तो 200 यूनिट तो हो जाता है, एक वो गरीबी रहेंगे मगर फैमिली बड़ा रहेगा तो यूज तो होता है जॉइंट फैमिली में, जॉइंट फैमिली में। ये नंबर टू, टैक्स बनने वाले, इनकम टैक्स बनने वाले को नहीं है बोलकर, एक तो इनकम टैक्स भी बनना, उसके बाद ये भी बनना, ये क्या है, ये तमाम चीजें देखना। इसमें वेरी सिंपल है, ये जो
ये लोग का मांग है हम लोग को 13% लॉस है, 16% राइज करो। ओके 16%, मगर आप जो इधर बिल में जो ये महीना में जो बिल आया है, मैंने बताया ना 60% 70% कहीं फेसबुक पे चल रहा है आप 200% भी ज्यादा हुआ, डबल हुआ हुआ है, ये तमाम चीजें गलत है। और एक मैं बताया ना एक चार्जेस के बारे में, आप बिल देखेंगे तो मालूम होता है गए बार का ये बार का बिल। एफएससी चार्जेस 53 पैसे था, एफएससी चार्जेस देखिए 187 डाला है ना, ये बार का जो बिल में है एफएससी चार्जेस 2 रुपीज 42 पैसा इतना। तो ये तमाम चीजें को जबरदस्त एक कमिटी बिठा के इसको क्या करना है, पूरा तहकीकात करके इसको सही करने का काम गवर्नमेंट करना है।